एंड माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल श्री दलेश्वर साहू जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न का जवाब नगर पंचायत डोंगरगांव में किन योजना अधिनियम के तहत किन कितने पट्टे का वितरण किया गया, क्या यह सत्य है कि राजीव गांधी आश्रय योजना के आवासीय पट्टा क्रमांक 087899 खसरा नंबर 6365/21 रगबा 990 वर्ग मीटर के संबंध में, क्या अन्य व्यक्ति असत्य आधारों पर भूमि अंतरण बेनामी प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दो मंजिला मकान निर्माणाधीन है उसे, तो ये यहाँ तक तो स्वीकार कर लिया गया कि यहाँ पे दो मंजिला मंजिल का भवन बन रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा से इसमें भूमिका चाहता हूँ। एक्चुअल में एक अत्यंत निर्धन निराश्रित हरिजन महिला की एक छोटा सा जीवन यापन करने वाले 55 वर्ष से निवासरत का को राजीव आश्रय के अंतर्गत पट्टा मिला। पहले तहसीलदार ने 15-16 में इसको अतिक्रमण घोषित किया, उसके बाद वो अपील की, अपील करने के बाद अनुभागीय अधिकारी ने उसे निरस्त कर दिया उस अपील को। उसके बाद उस महिला ने संभाग दुर्ग आयुक्त तो संभाग में अपील किया, पर वहाँ के दुर्ग संभाग ने उनको मान्यता देते हुए कि आपने 55 वर्ष तक आपने इस जमीन में आपने जीवन यापन की है, इसलिए उनको वहाँ पे रहने के लिए न्याय संगत मानते हुए उसको पारित कर दिया। फिर ये चार व्यक्ति, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा इस सदन में, वो चार व्यक्ति जो है वो सामर्थ्यवान व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने इसके खिलाफ में फिर से अपील किया कि इसके पट्टे को निरस्त माना जाए करके। फिर कलेक्टर ने उस अपील को निरस्त कर दिया। फिर अनुभागीय अधिकारी के पास भी अपील किया उस महिला के पट्टा को निरस्त किया करने का, पर उसके बाद बीच में इन लोग सफल हो गए। सफल होने के बाद अधिकारियों का लेन देन जो भी इनका ये बड़ा रकम का मामला रहा होगा, फिर ये चारों वो जो जिसने दो मंजिल भवन बनाने की जो आपका जो प्रश्न उत्तरी में जो उल्लेख है, वही आदमी आपत्ति करता था इसका, जब इसका पट्टे को निराधार माना, इसको इनको निरस्त करने का किए, और बीच में इन लोग अपने सफल हो गए अपने काम उसमें अभियोजन में। उसके बाद फिर से अनुभागीय अधिकारी ने उस जमीन को अभिलेख खसरा नंबर को एक छोटा झाड़ जंगल चराखोर का दर्ज का देते हुए एक सर्वोच्च न्यायालय के प्रकरण HTN गोदावर्धन के निरुपल को हवाला देते हुए, जिसे इसको इस जमीन को बदलने का अधिकार नहीं है, ना ही इसको पट्टा देने का, उस जमीन में पट्टा देने का अधिकार। चार मिनट की भूमिका हो गई, प्रश्न कब करेंगे? कर रहा हूँ प्रश्न तो करिए। इसलिए ये प्रकरण इतना गंभीर है, समझ गया, इसलिए हाँ। तो चार भूमिका चार मिनट में रख रहे हैं, प्रश्न कितना लंबा होगा। अनुभागीय अधिकारी ने उनको अध्यक्ष महोदय जी उस पट्टा को भूमि को बेनामी अंतरण किया जाना पाया गया और उसको अपात्र होना पाया गया, इस व्यवसायिक परिसर को अवैध निर्माण घोषित करते हुए उक्त जमीन को जनहित में उनको देने का इन्हें पारित कर दिया। अब इसी जमीन, जब वो अनुभागीय अधिकारी ने सब कुछ निर्णय ले लिया, पहले तो आपने उनने दिया, कलेक्टर ने दिया, फिर दुर्ग संभाग ने दिया, क्या अधिकारी जो जैसा चाहे वैसे करते रहे। उसके बाद आज के डेट में वो दो मंजिल मकान बन चुका है, फिर से वो हमारे राजनांदगांव के अपर कलेक्टर ने फिर उसको उस निर्णय को, अनुभागीय अधिकारी के निर्णय को फिर से उन्हें
स्टे ऑर्डर दे दिया है। तो मैं ये चाहूँगा, मैं प्रश्न कर रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, क्या छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1949 की धारा 52 एवं धारा 51 के तहत अनुभागीय अधिकारी राजस्व के आदेश पर रोक लगाया गया है? किस स्तर के राजस्व न्यायालय द्वारा स्टे ऑर्डर दिया गया, पहला प्रश्न। यदि स्टे ऑर्डर दिया गया है तो उसकी अवधि क्या है? स्टे ऑर्डर किन किन शर्तों के आधार पर दिया गया है? कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जाएगी? चलिए मंत्री जी, तीन प्रश्न है, मेरा तीनों प्रश्न का जवाब दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जानकारी मांगी है कि नगरी क्षेत्र में निवासरत भूमिहीनों का पट्टा देने का प्रावधान है, पहला प्रश्न था। तो नगरी क्षेत्र में भी पट्टा देने का प्रावधान है और इसी प्रावधान के तहत जिनका प्रकरण अभी आया है उनको पट्टा दिया गया था। और ये जो जगह दी गई थी बाद में चिन्हांकित होने के बाद झाड़ झरोखा वन भूमि मद में होने के कारण उस पट्टा को निरस्त कर दिया गया, फिर बाद में एसडीएम के द्वारा निरस्त किया गया है। इसके खिलाफ में अपर कलेक्टर के यहाँ ये प्रकरण विचाराधीन है और जब तक वहाँ पे कुछ निर्णय नहीं होगा तब तक ये मामला लंबित है। चलिए दूसरा प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, मैं आपने उस जगह में उस पट्टा को तो अवैध कर दिए, उस जगह में आपने दो मंजिला मंजिल का भवन भी, आपने चार लोगों ने जिसने पट्टा निरस्त करने की जो बात कही वही लोग भवन बना लिए। मेरा ये कहने का मतलब उस भवन का निर्माणाधीन को अवैध घोषित भी कर दिया आपने, उसको तोड़ने का काम कब करोगे और क्यों, किस आधार पर आपने और कितने दिन के लिए आप स्टे दिए हैं और कब तक निर्णय लेंगे, ये मेरा प्रश्न है। आप सीधा सीधा समय सीमा नहीं बताया जा सकता क्योंकि ये न्यायालय का प्रकरण है और न्यायालय में जब तक निर्णय नहीं होगा उसको कब तक तोड़ेंगे, क्या कार्रवाई होगी? अरे अवधि, आप तो निर्णय करने का तो अवधि, आपको स्टे दे दिए आपने इतने गलत 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 विचारधारा के आदमी को, वही आदमी उस पट्टा को निराधार करने के लिए अपील किया, उसके बाद उनका भी सुन लिए, वो गरीब का भी सुन लिए, तो कब तक वो बेचारी गरीब हो पिसती रहेगी? और उसमें दो दो मंजिल के बिल्डिंग भी बन गया और आपने उसका निर्धारण समय नहीं बता रहे हो और एक अपर कलेक्टर उनको स्टे देता है, कब तक ये हो जाएगा? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रकरण न्यायालय में है इसलिए इसमें समय सीमा बताना संभव नहीं है। न्यायालय है इसके मतलब कुछ भी करते रहेंगे? नहीं नहीं, न्यायालय से जब तक डिसीजन नहीं आएगी तो उसमें तोड़े हमको बताने की कार्यवाही नहीं की जा सकती, जैसे ही आदेश आएगा उस पे कार्यवाही करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने किस अवधि क्या है, किन किन शर्तों पर, कुछ तो शर्तों पर दिए होंगे। जो पट्टा देने की जो पात्रता रखते हैं, जो गरीबी में है, जो इनकम टैक्स पेधारी नहीं है, वहाँ के मतदाता हैं, आवासहीन है, पात्रता की सूची में आने के बाद उनको पट्टा दिया गया था। बाद में जब उसकी इंक्वायरी की गई तो जमीन जो है झाड़ झरोखा वन भूमि और दूसरा उसमें बताया गया कि वो किसी का उसमें हस्तांतरण बेनामा हुआ है, तो शिकायत आने के बाद एसडीएम ने उसको निरस्त कर दिया। निरस्त किया, उसके बाद उन्होंने अपर न्यायालय में आवेदन लगाया जहां पे भी मामला लंबित है। अध्यक्ष महोदय, जो 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 प्रकरण संभागीय आयुक्त से जो निर्णय लिए हुए वहां से उतरे हुए प्रकरण को कौन से आधार मान के आपने उसको स्टे दे दिया? अगर स्टे दे दिए तो उसको जल्दी निर्णय कर दीजिएगा, उसमें क्या दिक्कत है? स्टे का आधार बता दिया मंत्री जी आपने। एक तो उस प्रकरण में आपका संभागीय आयुक्त भी इन्वॉल्वमेंट रहा, उनको मान्य किया गया, कलेक्टर ने उसको फिर निरस्त कर दिया गया, फिर अनुभागीय अधिकारी ने फिर उसको निरस्त कर दिया गया, उसके बाद अपर कलेक्टर का तो सीमा होगा। निरस्त एक ही बार हुआ है, इस डीएम ने एक ही बार नहीं, निरस्त नहीं, किया। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो अपील ने उनने किया है और वो सामर्थ्यवान व्यक्ति और कहीं जाएगा फिर वो कहीं से स्टे ले आएगा, तो कम से कम ऐसी चीजों को आप पनाह देते रहेंगे तो ये तो पूरा अतिक्रमण से पूरा घिर जाएगा पूरा शहर। अभी तो कब तक उसको भू राजस्व संहिता के अधिनियम के तहत 6 माह के अंदर उसको इस प्रकरण का निपटारा। चलिए बहुत ठीक है, श्री अनिल शर्मा जी, इसमें कहाँ ये डोंगरगांव और कहाँ, चलिए छोटा सा पूछ लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, भानु प्रतापपुर क्षेत्र अंतर्गत जो है वार्ड क्रमांक 1, 3 और 15 जो है, लगभग यहाँ 500 गरीब परिवार 40 वर्षों से निवासरत है और वहाँ पर छोटे बड़े और बड़े झाड़ जो है चारागाह भूमि रिकॉर्ड में दर्ज होने के कारण वहाँ
उनका लाभ उनको वहाँ नहीं मिल पा रहा है आवास योजना का। तो मंत्री माननीय मंत्री जी से निवेदन चाहूंगी कि इस विषय पर थोड़ा सा सख्त जांच करवाकर वहाँ निवास राज परिवार को जो है पट्टा प्रदान किया जाए ताकि उनको भी ये आवास का योजना का लाभ मिल सके। चलिए दिखवा लेते हैं फिर बताएंगे। अध्यक्ष जी।